ठीक है बना वीडियो, बैग में डब्बा काटता हूँ, छोड़ छोड़ दे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम, राम राम, हस्काल, मैं स्नेक मैन जिससे बताता, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल पेज ऊपर के बना। दोस्तों जोरदार स्वागत है, जानकारी के बता दें इस समय पहुंचे हैं एक स्नेक रेस्क्यू के लिए। सूचना मिली थी कोई सांप था बिल्कुल बेडरूम के साथ, एक छोटा सा सुराख था देखा, उसके अंदर घर वालों ने इसको देखा और जैसी सूचना मिली हम वहां पर पहुंचे और इसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसको तोड़ना थोड़ा होगा क्योंकि ये फर्श है, फ्लोर है, इसके अंदर देखा है, और जैसे वो निकलता है उसको रेस्क्यू करेंगे और उसके बारे में देंगे थोड़ी जानकारी। बने रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को दिया जरूर देखिएगा। और दोस्तों जिस मेरे भाई ने हमारा यूट्यूब का चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर ले, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी बना बढ़ाए। तो दोस्तों ये देखिए कॉमन क्रैक बड़ा बिल्कुल बाहर निकलते हुए बहुत खतरनाक है, बेडरूम के साथ में छोड़ दे, मैंने छोड़ दे डालेंगे बॉक्स के अंदर और फिर पर्यावरण में करेंगे रिलीज। बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों ये जो सांप है हमारे भारत का बहुत ही जहरीला सांप, इंडियन कॉमन क्रैट, कॉमन क्रैट इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है हिंदी के अंदर, इसको क्रैट के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों साथ डेंजरस सांप है। इसके ज्यादातर केस आते हैं रात को वाइट करने के, ये ज्यादातर मंजे और बिस्तर पर चढ़कर ही वाइट करता है। और दोस्तों इसका जो इलाज है वो आपको बता दें, अगर भाई किसी को स्नेक बाइट होती है तो बिना सोचे छोड़ दे सहारा ले, छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं, जो जिले का सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर जाए, झाड़ फूक या ओझा बुनिया टोना तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े क्योंकि यह है एक आपकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ा है, और हम नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी इतनी कम कीमती हो कि उसका कोई नुकसान हो। तो भगवान ना करे कोई आपको दिक्कत आए तो सीधे जिले के सरकारी हॉस्पिटल में जाएं। और तो दोस्तों साथियों ये है कॉमन क्रैट, सांप का काटा हमारे भारत का बहुत ही जहरीला सांप, और अपनी जान के साथ साथ इनकी भी सेफ्टी रखें, अगर ये कहीं पर निकलते हैं तो किसी रेस्क्यू को बुलाएं और इन्हें रेस्क्यू करवाएं। तो दोस्तों अब डालते हैं इसको बॉक्स के अंदर और फिर सुबह पर्यावरण में करेंगे इसको जाकर रिलीज। हमारे भारत का बहुत ही खतरनाक सांप, रात का समय है मेरे हिसाब से 10-11 बजे का समय, 10:30 से 11 का। तो ठीक है दोस्तों चलेंगे करेंगे इसको पर्यावरण में रिलीज। तो दोस्तों साथियों पहुंच चुके हैं पर्यावरण में सांपों को रिलीज करने के लिए, जो रात एक सांप रेस्क्यू किया था घर के बिल्कुल अंदर से, जो फर्श था फ्लोर था उसके अंदर एक छोटा सा सुराख था और उसके अंदर कोई घर वालों ने एक सांप को निकलते हुए देखा। तो जैसे ही अलर्ट हुए हमें सूचना मिली, हम वहाँ पर पहुँचे और हमने उसको फर्श को थोड़ा तोड़ फोड़ करके निकाला, तो वो सांप कॉमन क्रैच था, उसको लेकर आए हैं पर्यावरण में रिलीज करने के लिए। तो दिखा दें आपको ये साइलेंट किलर नाम का ये सांप है, बहुत ही ज़्यादा ये विनमस है और डेंजरस है, तो इसको करते हैं पर रिलीज। ये देखिए दोस्तों कैमरा पर्सन थोड़ा सा नज़दीक लाकर, ये बहुत ही शर्मीला सांप होता है और इसका जो माउथ का अंदर का हिस्सा है मुंह के अंदर का वो गुलाबी कलर का, सॉरी ये देखिए दोस्तों इसके जो केस हैं बहुत ज़्यादा आते हैं काटने के, ये रात को मंजे और बिस्तर पर चढ़ के ही काटता है, लेकिन देखने में ये बहुत ही शांत स्वभाव का सांप लगता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा डेंजरस, इंडिया का सबसे नंबर वन पे आने वाला एक खतरनाक सांप है। लेकिन दोस्तों इसको मारना नहीं है, चाहे कितना भी खतरनाक है इंसान से ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और जब भी कहीं पर निकलता है तो कॉल करें, बुलाएँ किसी रेस्क्यूअर को, स्नेक सेवर को, और इन्हें रेस्क्यू करवाएँ। तो दोस्तों मैसेज यही है कि जब भी कोई स्नेक बाइट होती है तो बिना सोचे समझे जिले का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर जाना है, एक डॉक्टर का सहारा लेना है, और झाड़ फूंक या ओझा बुनी के चक्कर में नहीं पड़ना क्योंकि इनके चक्कर में हम अपनी जो जान है वो गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही,
किसी और वीडियो के अंदर किसी और जीव की जान बचाते हुए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।